हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिस प्रमोद कुमार फ्रेंड्स आज की क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से ब्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग रिक्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मीन्स होता है आवश्यकता करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी देख लीजिए आर ई e. क्यू आई आर ई प्लस इसी में कर देना M एम ई एन टी रिक्वायर आर ई क्यू आई आर ई रिक्वायर एम ई एन टी रिक्वायरमेंट मीनिंग इसकी होती आवश्यकता या नीड मैच कर लीजिए वन ट्वेंटी सिक्स का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन को रिस्पॉन्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन ट्वेंटी सेवन को रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें तो टेस्टमेंट मीनस होता है वसीयतनामा वसीयतनामा या फिर आप कह सकते हैं इच्छा पत्र ओके टेस्टमेंट्स मीन्स वसीयतनामा या इच्छा पत्र टेस्टमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए टी ई एस टी ए प्लस इसी में कर देना मेंट एम ई एन टी टेस्टमेंट ओके टी ई एस टी ए टेस्ट एम ई एन टी टेस्टमेंट मैच कर लीजिए वन ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वन ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसकी मीनिंग होती है वसीयतनामा या फिर इच्छा पत्र ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग इनक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट की बात करें इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट की जो स्पेलिंग है टीजीटी एग्जाम दो हजार इक्कीस में पूछी गई है रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट की बात करें तो ध्यान रखना इनक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ई एन सी आर वाई पी टी इनक्रिप्ट मैच कर लीजिए ई एन सी आर वाई पी टी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वन ट्वेंटी एट का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन को रिस्पॉन्स करिए करप्ट करप्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन करेक्ट स्पेलिंग ऑफ करप्ट मींस होता है भ्रष्ट भ्रष्ट या फिर आप कह सकते हैं दुष्ट ओके करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए सी ओ डबल आर यू पी टी क्रफ्ट में सी ओ डबल आर यू पी टी क्रफ्ट मैच कर लीजिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 129 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग सिलहूट सिलहूट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी सिलहूट वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है रिस्पॉन्स करिए शिलहूट की मीनिंग की बात करें तो सिलहूट मींस होता है छाया आकृति छाया आकृति ओके करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करें ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है पूछी जा सकती है शिलहूट की करेक्ट स्पेलिंग एस आई एल एच ओ यू ए डबल टी ई शिलहूट शिलहूट में डबल टी आएगा एस आई एल एच ओ यू डबल टीई शिलहूट मीनिंग इसकी क्या होती छाया आकृत ओके मैच कर लीजिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वन थर्टी का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन साइक्लोपीडिया इन साइक्लोपीडिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली इनसाइक्लोपीडिया की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती विश्व कोश विश्व कोश करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए ई एन सी वाई सी एल ओ पी ए ई डी आई ए इन्साइक्लोपीडिया यहाँ पर पी ए ई आएगा ओके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आप लोग ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो, ओके ये जो मीनिंग है गूगल पर दे रखी है जो कि रॉन्ग है या अमेरिकन है बट आप लोगों को ब्रिटेन इंग्लिश को फॉलो करना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग एसिसनेशन एसिसनेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन थर्टी टू को रिस्पॉन्स करिए एसिसनेशन 132 की बात करें एसिसनेशन मीन होता है हत्या ओके okay. या फिर आप कह सकते हैं मर्डर करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए ए डबलएस प्लस ए डबलएस प्लस इसी में कर देना आई एन ओके प्लस इसी में कर देना है ए टी आई ओ एन ध्यान रखना एसिसनेशन में ए डबल एस ए डबल एस डंकी वाला जो डबल एस है दो बार आएगा ए डबल एस ए डबल एस फिर आई एन ए टी आई ओ एन एसिसनेशन मैच कर लीजिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ओके बी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी में आप लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि लास्ट में यहां पर टी आई ओ एन आएगा जो कि यहां पर ओ आई एन दे रखा है ओके थर्टी टू का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए लिजेंड्री लिजेंड्री की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लिजेंड्री लिजेंड्री मीन्स होता है प्राणिक या फिर आप कह सकते हैं काल्पनिक काल्पनिक ओके या प्राणिक कथाएं करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए एल ई -E जी ई एन डी ए आर वाई यहाँ पर फोकस करिए ए आर वाई आएगा यल ई -E जी ई -E एन डी ए आर वाई लिजेंड्री मीनिंग इसकी होती है प्रौणिक कथाएं या फिर काल्पनिक मैच कर लीजिए ऑप्शन ए राइट होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर को रिस्पॉन्स करिए वन थर्टी फोर रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है रिस्पॉन्स करिए रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन के मीनिंग की बात करें तो रिकमेंडेशन मींस होता है सिफारिश सिफारिश या फिर आप कह सकते हैं अनुशंसा अनुशंसा करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए आर ई सी ओ डबल एम ध्यान रखना इसमें डबल एम आएगा आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी प्लस इसी में कर देना है ए टी आई ओ एन रिकमेंडेशन आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी ए टी आई ओ एन मीनिंग होती है सिफारिश या फिर अनुशंसा मैच कर लीजिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी ए टी आई ओ एन ऑप्शन बी राइट होगा वन थर्टी फोर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए फ्लोरेशेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी फ्लोरिशेंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन थर्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्लोरिसेंट रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव फ्लोरिसेंट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है प्रतिदीप्त प्रतिदीप्त ओके करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए एफ एल यू ओ प्लस इसी में कर देना आर ई एस सी ई एन टी फ्लोरेशेंट एफ एल यू ओ फ्लो आर ई एस सी ई एन टी फ्लोरिशेंट मीनिंग होती है प्रतिदीप्त मैच कर लीजिए ऑप्शन बी राइट होगा ओके okay. वन थर्टी फाइव का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉरगेटफुलनेस। फुलनेस फुलनेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमिडिएटली फॉरगेटफुलनेस फुलनेस की करेक्ट स्पेलिंग फॉर्गेड फुलनेस की मीनिंग होती विस्मृत करना या फिर भूलना ध्यान दीजिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी एफ ओ आर जी ई टी फॉरगेट प्लस इसी इस इस में कर देना है एफ यू एल एन ई डबल एस फारगेट फुलनेस ध्यान रखना इसमें एफ यू एल आएगा सिंगल एल ना कि डबल एल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 136 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए लगेज लगेज का लगेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन थर्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए आप सभी लोग जानते हैं लगेज मीन्स होता है सामान ओके okay. रिस्पांस करिए वन थर्टी सेवन की बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा एल यू डबल जी ए जी ई लगेज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मीनिंग इसकी होती है सामान या फिर आर्टिकल्स वस्तुएं या फिर आप कह सकते हैं थिंग्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट को रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ड्रंकनेस रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए राइट होगा बी राइट right होगा सी राइट right होगा या फिर डी राइट right होगा करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ड्रंकनेस ड्रंकनेस में होता है पीने की आदत रिस्पॉन्स करिए वन थर्टी एट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट की बात करें तो ध्यान रखना इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी डी आर यू एन के ई एन ड्रंकन प्लस इसी में कर देना एन ई एन ई डबल एस ड्रंकनेस तो यहाँ पर डबल एन आएगा मैच कर लीजिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा डी आर यू एन के ई डबल एन ई डबल एस ड्रंकनेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन को रिस्पॉन्स करिए रिम्बर्समेंट रेमबर्समेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिमिलिटली क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेमबर्समेंट रेम्बर्समेंट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है प्रतिपूर्ति प्रतिपूर्ति ओके करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ध्यान दीजिए आर ई आई एम बी यू आर एस ओके प्लस इसी में कर देना मेंट एम ई एन टी रेमबर्समेंट ओके आर ई आई एम बी यू आर एस एम ई एन टी मैच कर लीजिए क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन की बात करें तो ध्यान रखना आर ई आई एम बी यू आर एस ई एम ई एन टी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा वन थर्टी नाइन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मीनिंग इसके प्रतिपूर्ति करना या भरपाई करना भरपाई करना ओके ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है पूछी जा सकती है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी को रिस्पॉन्स करिए अपाल्ड अपाल्ड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी अपाल्ड मीन्स होता है धमकी देना धमकी देना रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए राइट होगा बी राइट होगा सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन फोर्टी की बात करें तो ध्यान रखना इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ए डबल पी ए डबल एल ई डी अपॉल्ट इसमें डबल पी आएगा डबल एल आएगा ध्यान रखना ए डबल पी ए डबल एल ई डी मीनिंग होती धमकी देना मैच कर लीजिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वन फोर्टी का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मीनिंग होती धमकी देना फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें सेशन कैसा रहा सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें यदि आप चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर लें Thank you very much.